हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जेल जेल में ही रहेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज की है जमानत याचिका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी आप और नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले जैन और उसके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की थी। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकुश जैन, वैभव नवीन जैन, योगेश कुमार जैन और सिद्धार्थ तथा अंकुश जैन के ससुर एवं प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाने वाले लाला शेर सिंह, जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन जीएस माथारू और जीवन विज्ञान ट्रस्ट के लाला शेर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। इससे पहले अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश 18 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जैन को धन शोधन रोकथाम कानूनों के प्रावधानों के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। जैन को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश पीसीएट गीतांजलि गोयल ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।